गांव की अगर बात करें तो आपके गांव ऐसा जी, हमारे एरिया में 200 किले हैं, बाग लगे हुए हैं और मंडी की बड़ी समस्या है। बाहर से माल आता है, यहाँ का माल खरीदा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पर किसान उठा रहे हैं बाग। यहाँ बहुत मुनाफा नहीं है, बहुत कम इनकम है। अगर जो दूसरे किसान है उसके अलावा मुनाफा है या उससे भी कम? ना, खेती बाड़ी से बहुत बढ़िया मुनाफा है, इतनी मतलब पैसा खेती नहीं बचता इतना जो बाग में बचता है। हाँ, सरकार की सुविधाएं? हाँ, सरकार की सुविधा नहीं है जी, इनके अलग मंडी होनी चाहिए। हाँ, सरकार की कोई सुविधा नहीं मिलती। धन्यवाद। खेती को छोड़ के 4 गुना किसान को आमदनी होती है और ये रिजल्ट तो हमने खुद 10 साल से देखने को मिल रहा है। पहले हम खेती करते थे गेहूँ की, चने की, बाजरे की, ग्वार की। जब से हम बागवानी की तरफ ध्यान हमारा गया है, हम खेती करने लग रहे हैं, तो जमींदार की 4 गुना आमदनी बढ़ने लगी। और मैं तो सभी भाइयों किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि बागवानी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अच्छी अच्छी फसलें उगाकर, क्वालिटी की फसलें उगाकर, ऑर्गेनिक खेती तैयार करके मंडी में भेजें, तो इसमें कमाई का कोई ठिकाना नहीं है, कितनी भी कैसे कमा सकते हैं। दूसरी बात, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ, जैसे ऑर्गेनिक जो इनकी अलग से होनी चाहिए, जो अंग्रेजी दवाई से जो फसल पैदा करते हैं उनमें तो दिन रात का फर्क, लेकिन हमारे एक भारत है क्योंकि मंडी अलग से नहीं है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ ऑर्गेनिक फल फ्रूट जैसे गेहूँ भी होता है, जो भी है, उनकी अलग से मंडी वो दर्ज हो, जिससे जमींदार को इसका पूरा लाभ मिल सके। ऑफिस पहुंच रहा हूं 15 मिनट में, पुराने वाले वहां से अरे भाई चल यहां से। सोलर का पानी लाइट नहीं आए तो मतलब से पानी दे दे। पानी दे। हां, कितने एकड़ में है ये? अपने 17 एकड़ हमारी। रासायनिक नहीं डालती इसमें कोई, मैं खुद से तैयार करता हूं गौमूत्र से। आदित्य कैबेज के